नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है कि त्रिलोचन महादेव मंदिर का धर्मशाला अब मैरिज गार्डन की तरह यूज़ हो रहा है। जैसा कि ये बताया था मैंने आपको, पहले भी एक वीडियो बनाया था इसमें मैंने, कि धर्मशाला को लेकर 501 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है कि सभी धर्मशालाओं का शुल्क 501 रुपये सभी को देने हैं और धर्मशाला बुक होगा। यानी कि धर्म के नाम पर धर्मशाला 501 रुपये में ही दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मनमाना ढंग से वसूली की जा रही है धर्मशाला के नाम से, और धर्मशाला जो है कि एडवांस में बुक किया जा रहा है। जब जब शादी ब्याह का सीजन होता है उस समय मंदिर पर इस तरह का आयोजन आम बात है, लेकिन मंदिर कमेटी इस पर ध्यान नहीं देती है और मंदिर कमेटी के बिना परमिशन या अनुमति के ये आयोजन यहाँ पर संपन्न होते हैं, जिससे मंदिर कमेटी को कोई बेनिफिट नहीं होता है, मंदिर कमेटी को कोई भी इससे शुल्क नहीं प्राप्त होता है। फिर भी यहाँ पर ऐसे आयोजन आए दिन होते रहते हैं। और बता दें आपको कि इस तरह के मंदिर पर लगभग 8 धर्मशालाएँ हैं और सभी धर्मशालाओं पर यही काम हर सीजन में होता है। मंदिर को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इस पर शुल्क निर्धारित करके मंदिर कमेटी के बिना आज्ञा के कोई भी आयोजन मंदिर पर न हो, ऐसा जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।